आजकल लोग एकादशी व्रत करते हैं, कहते हैं महाराज एकादशी है आज, घर में एकादशी व्रत रखने का बड़ा महत्व है साहब, जीवन में एकादशी व्रत करने का बहुत महत्व है, लेकिन व्रत को व्रत की तरह करो तब महत्व है। प्रतिदिन घर में 500 रुपए की खुराक बनती है और जिस दिन एकादशी आती उस दिन 2000 की लिस्ट तैयार हो गई साहब। एकादशी आती है किस तारीख में है, फलानी तारीख में एकादशी है, दो दिन पहले बुखार आ जाता है घर के मालिक को, एकादशी आ रही, घबराने लगता है, एकादशी आ रही क्यों फलार की व्यवस्था करनी, इतना महंगा फलार हो गया। अरे महंगा होता रहे फलार, हमको व्रत व्रत की तरह करना है, फलार को आहार नहीं मानना है। लोग फलार को आहार मानते हैं, कहे सेव संतरा भी आ जाए, थोड़ा रबड़ी और मोतीकंद भी आ जाए, कलाकंद क्यों भाई, ये फलाहार है, ये व्रत है नहीं, केवल आधार के रूप में हमें फलाहार लेना है, आहार के रूप में फलाहार नहीं लेना, आधार के रूप में, समझ रहे हो कि नहीं, आधार के रूप में। माताओं से भी कह रहा हूं, भाई बहनों से भी, बहनों से ही नहीं कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, अबाल वृद्ध नर नारियों से सबसे कह रहा हूं, समान रूप से आधार के रूप में फल फलार को मानो, आहार नहीं। यहां करही आहार साक फल कंदा, 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 सुम रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, 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 ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो सच्चिदानंद ब्रह्म, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप को नष्ट करने वाला, उसका चिंतन व्रत में ब्रह्म का चिंतन इसलिए किया जाता है कि हम त्रैताप से मुक्त हो जाएं। बोलो भाई, कोई भी व्रत हो उसमें ईश्वर की आराधना की जाती है कि हम त्रैताप से मुक्त हो जाएं। तीन ताप होते हैं ना, दैहिक दैविक और भौतिक, सुमिरहि ही ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, ये तप है। ठाड़े रहे एक पद दो, खड़े तो हैं लेकिन एक पैर केवल खड़े, शत्रुपा जी भी वैसी खड़ी है, बैठ के तप नहीं किया, खड़े होके तप किया है, बोलो किया कि नहीं किया। ऋषि मुनि महात्मा तो बैठ के तप करते हैं, हमारे भरत जी महाराज ने भी बैठ के तप किया था, क्यों भाई, नंदग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरी धीरा, एक गुफा खोदी उस गुफा में बैठ गए तप किया। बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, दिव्य संत हैं, उन जैसा कौन संत होगा, तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधु, ऐसे संत हैं लेकिन बैठ के तपस्या कर रहे हैं, गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा, और एक बात बतावे, उर्मिला जी भी तप कर रही हैं भवन में, और लक्ष्मण जी महाराज भी तप कर रहे हैं भगवान के साथ, लेकिन कछुक दूर सज बान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन, बैठ वीरासन, तो बैठ के तपस्या हो रही है कि नहीं। उर्मिला जी भी भवन में तपस्या कर रही हैं, इधर नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे हैं, मांडवी जी भी भवन में बैठ के तपस्या कर रही हैं, लेकिन मनु और शत्रुपा एक साथ नैमिष में तपस्या कर रहे हैं, एक साथ
और दोनों ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तो ध्रुव जी ने भी की, लेकिन बैठ के तपस्या की, बोलो की कि नहीं की? ध्रुव जी ने, बहुतों ने तपस्या की साहब। भगवान शंकर ने भी बीते सम्मत सहित सतासी तजी समाज संभ अवनासी, लेकिन बैठ के तपस्या की कि नहीं की? कैसे तपस्या की भगवान शिव ने? बैठ के। लेकिन महाराज मनु शत्रुपा में कैसे तपस्या की? ठाड़े रहे एक पद दो, इसका मतलब है पति पत्नी में अनुकूलता है कि नहीं? दोनों एक ही पैर के बल, इसका मतलब है मनु जी खड़े हुए होंगे एक पैर के बल, तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं भी एक ही पैर के बल खड़ी रहूंगी। महाराज मनु ने कहा सुनो, कंद मूल फल जो मिलेंगे उनको आहार मान लूंगा, मिलेंगे उनको आहार मान लूंगा, वही आधार होगा, लेकिन तुम्हें अगर इसमें परेशानी हो तो तुम्हारी व्यवस्था भोजन आदि की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 88,000 ऋषि रहते हैं वहां, साधारण भूमि थोड़ी है, साधारण भूमि है नैमिषारण्य, तो वो सब ऋषि मुनि महात्मा तो पर्याप्त ना लेते होंगे, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। शत्रुपा जी ने कहा ना, आप जो ग्रहण करेंगे जो उच्छिष्ट शेष बच जाएगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। देखिए कितना अच्छा भाव है, बोलो अच्छा भाव है कि नहीं है? आप जो ग्रहण करेंगे स्वामी, वो आहार हो चाहे फलाहार हो, हमें इसको नहीं देखना है, बाद में जो शेष उच्छिष्ट बचेगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी नित्य। इसलिए परंपरा बन गई, पुरानी परंपरा थी कि पति की थाली में पत्नी भोजन करती थी। क्यों भाई, ये परंपरा थी कि नहीं? पुरानी बात बता रहे हम कि पत्नी पति की थाली में भोजन करती थी, पति कर लेता था, उच्छिष्ट जो बच जाता था उसको वो ग्रहण करती थी। अब उल्टा हो गया, समझ रहे कि नहीं? उल्टा हो गया आप सिस्टम सब, सिस्टम ही उल्टा हो गया है। खैर कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मन नहीं मानता तो कभी कभी थोड़ा बहुत तो कह ही देता हूं। एक जगह हम कथा कहने गए तो कथा रात्रि में होती थी और थोड़ा कुछ देर रात तक होती थी कथा, पता नहीं वहां मार्केट वार्केट बंद हो जाता था जब ज्यादा, तब लोग कहते थे महाराज बाजार वाजार बंद करके आएंगे तब कथा सुनेंगे। चलो भाई तुम लोगों की श्रद्धा है कोई बात नहीं। अब ठंडी का टाइम है, जनवरी में कथा हो रही साहब, और रात्रि देर रात तक हो तो बोलने वाले को भी दिक्कत है, सुनने वालों को दिक्कत, लेकिन संख्या बहुत होती थी रात्रि में, प्रेमी तो थे वहां के लोग, बाजार वाजार मार्केट दुकान बंद करके आते थे बिल्कुल, तब कथा में बैठते थे और खूब सुनते थे, ठंडी खूब पड़े, अपना अपना साधन कम्बल अम्बल सब लेके आते थे। चलो उत्साह बढ़ता था वक्ता का कि ठंड बड़े ही पड़ रही है, लेकिन भीड़ तो बहुत है, सुन रहे हैं। एक दिन की बात बतावें आपको, कथा बहुत देर तक मैंने कह दी, विश्राम था उस दिन। अब जब देर ज्यादा हो गई तो एक श्रोता ऐसा था कि वो बाद में जाके भोजन करता था, पहले कथा सुनता था फिर बाद में भोजन करता था उसका नहीं, लेकिन उस दिन ज्यादा लेट हो गई ना कथा, भोजन तो करके आया नहीं था। जैसे ही पहुंचा तो पत्नी कथा की प्रेमी नहीं थी, वो कथा में आती नहीं थी, ना कथा के प्रति प्रेम था उसका, वो उसने अपना अंदर से कुंडी बंद कर ली और उसने बहुत खटखटाई, पूरा मोहल्ला जग गया, लेकिन वो तो नाटक कर रही थी, सो थोड़ी रही थी। लेकिन जब मोहल्ला वालों ने डांटा कि खबरदार मर्यादा नाम की चीज नहीं है, पूरा मोहल्ला कह रहा है, चिल्ला रहा है, और अंदर से किवाड़, तो शर्म के मारे उसने फिर खोला, जब लोगों की सैकड़ों लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, बस नाराज है, बहुत नाराज है। अब समझना जरा बात, क्या स्थिति, हम तो उसकी बात सुनकर के अभी तक हमको भूल नहीं रही है वो बात, कम से कम 35 साल हो गए और ज्यादा ही हो गए होंगे, चाहे 35 साल पुरानी घटना, आज भी नहीं भूल रही वो बात, नाराज हो गई वो, नाराज तो थी और नाराज हो गई कि तुमने सैकड़ों लोगों से ये सब नाटक करवाया। तो धीरे से पति कहता है भूख लगी है, भोजन चाहिए,
का रसोई में रखा है भोजन, आराम से चुपचाप खा लो, नींद खराब मत करो। सीधा साधा था। उसने कहा कि कथा में स्वामी जी कहते ना विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद करना चाहिए पत्नी से, लेकिन विवाद की कंडीशन है भोजन के पीछे विवाद करें, अभी तो कथा सुन के आएगा, कथा का असर क्या रहेगा। तुरंत गया अंदर, देखा तो रोटियां बहुत कड़क हो गई थी, ममता बनर्जी से भी ज्यादा कड़क, बहुत कड़क कड़क रोटियां, ठंडी का टाइम, दांत कमजोर थे कुछ तो, दांत ही चले गए थे, कुछ रह गए थे वो भी किसी काम के नहीं थे। अब वो कड़क रोटियां कैसे जो है खाए। तुरंत आया, बोला एक काम करो, रोटी मत बनाओ, रोटियों को केवल गर्म कर दो, रोटी मत बनाओ, केवल गर्म कर दो बस, का खाना हो खाओ, नहीं चुपचाप लेट जाओ, फालतू की बात मत करो, हमारा मूड गर्म हो गया है, हमारी खोपड़ी ज्यादा गर्म हो रही है, बस बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो है पा लीजिए, नहीं चुपचाप सो जाइए। तो कहता है एक काम करो, रोटी गर्म करने में तो टाइम लगेगा, थोड़ा घी ही गरम कर दो, तो गरम गरम घी अगर सूखी रोटियों पर लग जाए तो कुछ मुलायम हो जाता है, तो थोड़ा सा घी ही गरम कर दो। तो कहती है ना रोटी गरम करूंगी ना घी गरम करूंगी, चुपचाप जो है चुपचाप खा लो, और ज्यादा अगर तुमको ये लगता है तो पहले ये बताओ इतनी देर तुमने कहां लगाई। कहे तुम्हें पता नहीं है कथा सुन रहा था, इतनी देर तक कौन बोला। कहे जगत गुरु, तो बोले जगत गुरु को बुलाओ, वही गरम करें, वही खिलावे। अब बताइए आप कितनी बड़ी चुनौती आ गई मेरे सामने कि कथा भी सुनावे तुम्हारे घरों में जाके काम भी करें हम। ये उसने सब सुनाया दूसरे दिन आकर के, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उससे बीती उसने सुनाया, स्पष्ट सत्य बोलता था वो। वो अंदर गया, थोड़ा सा क्रोध उसे भी आ गया, क्रोध है अब आ गया क्रोध। वो घी की कटोरी उठा के लाया और पत्नी के सिर पर रख दी उसने। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो। कहा गैस से ज्यादा गर्म तो तुम ही हो गई हो, और तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो गई है, अब तुरंत ही घी गर्म हो जाएगा, अब गैस चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं घरों के अंदर। उसने दूसरे दिन आकर के पूरा वृतांत सुनाया रात्रि का कि महाराज आप तो विश्राम की कथा में आज जा रहे हो, हम आपको प्रणाम करने आए कि हम कैसे जूझे रात को, लेकिन आपकी कथा ने संघर्ष बचा लिया। इतना मैंने गंभीरता का परिचय दिया कि मैंने हर पल हर क्षण विवाद को टाला, अंत में फिर मुझे थोड़ा सा क्रोध आया तो घी की कटोरी ही धर दी पत्नी के ऊपर, सिर के ऊपर। मैंने कहा देखो ये जीवन है, इसी जीवन में ग्रह कारज नाना जंजाला, जो मैंने अभी चर्चा की ना आपने सबने सुना, परंतु अगर पत्नी कथा सुनने आई होती तो उसके विचार बदले होते कि नहीं होते, बोलो बदले होते विचार कि नहीं होते। कथा से विचार बदलता है, कथा से संस्कार जीवन में आता है, कथा इसलिए सुनना चाहिए। आज सत्संग का यह प्रभाव है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सत्संग करते हैं, नैमिषारण्य सत्संग की भूमि है। बोलो किसकी भूमि है नैमिषारण्य? सत्संग की भूमि है, और सत्संग की भूमि पर पति पत्नी दोनों खड़े हुए हैं, और सत्संग का यह प्रभाव है कि आज पत्नी कह रही है कि नहीं नहीं उच्छिष्ट ग्रहण करूंगी, क्या करूंगी उच्छिष्ट प्रसाद, वो मेरे लिए प्रसाद महाप्रसाद होगा, उसको ही ग्रहण करूंगी मैं। हे स्वामी आप चिंता मत करो, पत्नी का धर्म है कि पति को चिंता मुक्त करे, अगर कुछ भी ना हो देने के लिए तो शब्द तो हो कम से कम सरल, शब्दों का व्यवहार तो सुधरा हुआ हो, कुछ देने के लिए ना हो तो प्रेम के शब्द तो हो, इतना ही बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार है। शत्रुपा जी की आंखों में आंसू हैं और कहती हैं महाराज आपका प्रसाद उच्छिष्ट में ग्रहण करूंगी।